गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ अमित, आई एम फ्रॉम रेवोल्यूशन। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए SP8266 वाईफाई कार। तो ये एक वाईफाई कंट्रोल कार है, जो है आप देख सकते हो। इसमें बैक साइड में हमने गियर मोटर्स लगा रखी है, दो गियर मोटर्स हैं, और आगे जो है हमने कास्टर व्हील जो है फ्रंट में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। 3.7 वोल्ट की दो बैटरी लगा रखी है, सॉकेट में 7.4 वोल्ट है, नीचे बकर मोटर लगाया है रिड्यूस करने के लिए 5 वोल्ट सप्लाई के लिए। उसके बाद ये जो सप्लाई है ये हमने दे रखा आपका ESP8266 मॉड्यूल को, और फिर उसके बाद L293D ड्राइवर जो है इसके थ्रू ये जो हमारे गियर मोटर से उनको पावर देता है। इसके लिए ले रखा है मैंने एक इसका जो रिमोट कंट्रोल है ESP8266 वाईफाई रोबोट कार, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसे जॉयस्टिक्स है, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये जो है लेफ्ट राइट यूज़ किया हुआ। तो ये तो जैसे मैं इसे फॉरवर्ड मूव करता हूँ, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड मूव होगा, बैकवर्ड की दबाता हूँ, बैकवर्ड लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये 360 डिग्री रोटेट कर लेता है ऑन द स्पॉट। जो कास्टर व्हील है इसमें हेल्प करता है, अगर फोर व्हील ड्राइव बनाते हैं तो उसका थोड़ा रोटेशन का इशू आता है, लेकिन कास्टर व्हील में रोटेशन बहुत ईजी होता है। और बाकी आप देख सकते हैं इसकी स्पीड बढ़िया है, ये इस टाइप से वर्क करता है। बाकी हमारे पास एक मॉडल और है जिसमें हमने कैमरा इनबिल्ट लगा रखा है, जो कैमरा मॉड्यूल है वो यूज़ किया हुआ है। इस टाइप के रोबोट्स हम लोग जो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर यूज़ कर सकते हैं, सर्वेलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके लिए। बाकी इसका जो चैसी है वो एक एक्रेलिक से बना हुआ है लेज़र कटिंग से, ये साइड से मूव कर सकता है। बाकी डिज़ाइन जो है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो इसका। तो ये 360 लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, और जो ये ऐप है उसके थ्रू। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।